अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमामी हमारे आज के इस प्रोग्राम में जो जो लोग भी इसको अटेंड करेंगे, आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे, इसमें हमारे साथ जो कुछ भी पैनलिस्ट जुड़े हैं, इनके थ्रू हमको बहुत साइंटिफिक और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिले, ताकि ये जो कोविड पैंडमिक की सेकेंड वेव है, इसका हम मुकाबला कर सकें। वी नो दैट दुनिया में ये कोई पहला पैंडमिक नहीं है, ह्यूमंस हैव सीन पैंडमिक्स प्रीवियसली ऑल्सो। दुनिया में इससे पहले प्लेग आता रहा, इन्फ्लुएंजा आता रहा, इबोला आया है बहुत हाल ही में कुछ दिनों पहले, जीका वायरस का पैंडमिक रहा है, इससे पहले स्वाइन फ्लू H1N1 आया है, सार्स आया है, और अब ये सार्स का एक एडवांस्ड वर्जन है, SARS-CoV-2, जो कोरोना वायरस हम बोलते हैं या COVID-19 बोलते हैं। इंडिया में इस वक्त हम COVID-19 की सेकेंड वेव को झेल रहे हैं, एंड वॉट वी सी इज वी आर ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स इन द वर्ल्ड एंड वी आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एज फार एज इंडियन कोविड सिनारियो इज कंसर्न। इसको अगर हम देखें तो हमारे पास 18 करोड़ कन्फर्म्ड पेशेंट्स हैं, वी हैव एक्टिव 30 लाख पेशेंट्स, हमारे रिकवर्ड पेशेंट्स 1.4 करोड़ हैं, और हमारे अब तक के 2 लाख डेथ्स हुई हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड तो कहते हैं कि समवेयर अराउंड 2 to 2.5 thousand डेथ्स रोज हो रही हैं, लेकिन अनऑफिशियली जो कुछ भी रिसर्च हो रही है, जो कुछ भी डाटा आ रहा है, एंड वट एवर सेंसिबल लोग जो भी बात कर रहे हैं, एजुकेटेड लोग जो भी बात कर रहे हैं, वी नो दैट द डेथ टोल इज वेरी हाई, एंड इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर एंड ट्रमेंडस कोलैप्स। दिन ब दिन हम ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डेथ की न्यूज आ रही है, मोर एंड मोर पैनिक हो रहा है सोसाइटी में, और वन थिंग दैट इज ये पैंडमिक के साथ जो जुड़ी हुई है, जो पिछले साल से डिफरेंट है, वो ये है कि हम सुन रहे हैं कि यंग लोग मर रहे हैं इसमें, यंग लोगों की डेथ हो रही है, प्रेग्नेंट फीमेल्स की डेथ हो रही है, पीपल हु आर इन द एज ऑफ 35 to 45, 45 to 50, इनकी डेथ्स को हम सुन रहे हैं। सारा का सारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स्ड है, क्रिमेशन सर्विसेज की फ्रांटिक सीन्स आउटसाइड द हॉस्पिटल, जहां पर बेड पर स्ट्रेचर पे लेटे हुए लोग हैं, उनके 24/7 न्यूज चैनल्स में पिक्स आ रहे हैं, पिक्चर्स आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, विच आर एडिंग टू अ लॉट ऑफ सेंसेशन इन ऑलरेडी अ वेरी डिस्टर्ब्ड सिनारियो ऑफ COVID-19। लोग भाग रहे हैं यहां से वहां, हम जानते हैं ड्रग्स की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, टोसिलूजुमाब जैसे दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कुछ सिटीज में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, दिल्ली जो कि हमारी राजधानी है, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली जो है वो मुतासिर हो रहा है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि रिलेटिव्स आर रनिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग इज देयर ऑन सोशल मीडिया, एंड रादर देन अ कॉन्सेंट्रेटेड प्रॉपर अपराइट इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज गोइंग हेवाय। इसीलिए हमको अभी इस बात की जरूरत है, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, एज ह्यूमन बीइंग्स, ये टाइम है कि हम अपने आप को एज ह्यूमंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कलर, एथनिसिटी एंड स्टेट इन विच वी आर लिविंग, हम अपने आप को यूनाइट करें, ऑर्गेनाइज करें, ये समझने की कोशिश करें कि पैंडेमिक क्या होता है, ये समझने की कोशिश करें कि ये हेल्थ केयर इमरजेंसी जो है वो क्या है, और लेट अस फाइट दिस ट्रेजेडी कलेक्टिवली, लेट अस बीट इट कलेक्टिवली, डेफिनेटली वी विल ओवरकम दिस, बट इट रिक्वायर्स सम डेफिनेट मेजर्स, हमको वो मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसी चीज को समझने के लिए, COVID-19 के इस सेकेंड वेव को समझने के लिए आज हमारे साथ बहुत एस्टीम्ड पैनलिस्ट जुड़े हैं, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद हफीज देशमुख हैं। डॉक्टर हफीज देशमुख इज अ कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं MGM मेडिकल कॉलेज में, ही इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन डीलिंग विद द कोविड फैसिलिटी ओवर हियर। इसके अलावा भी ही बेसिकली इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट एंड एन इंटेंसिविस्ट, जो अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज ए कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज पिछले 2 साल से दे रहे हैं।
he has been a very, very important figure for fighting COVID in Aurangabad along with others as well. इसके अलावा हमारे साथ आज ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सुमैया शेख. डॉक्टर सुमैया शेख स्वीडन से हमको ज्वाइन कर रही हैं. डॉक्टर सुमैया इज अ वेरी वेल नोन फिगर, अ वेरी यंग एक्टिविस्ट. शी इज द फाउंडिंग एडिटर ऑफ अल्ट न्यूज साइंस. आप एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, एक कंसल्टेंट हैं, एंड शी वर्क्स ऑन वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन, and also she is working on her next book. वो अपनी अगली किताब जिसका उन्वान है Violent Brains of Ordinary People, यानि आम लोग क्यों जानवरों जैसा violent behavior करते हैं, इसके ऊपर वो काम कर रही हैं, which will be getting published very soon. Next हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई के न्यूरोसर्जन डॉक्टर मजहर खान मुल्ला. ही इज अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट सायन हॉस्पिटल जो धारावी से बहुत करीब है. उन्होंने कोविड को और कोविड के सिनारियो को यहाँ से बहुत करीब से देखा है. प्लस ही इज अ विजिटिंग कंसल्टेंट एंड न्यूरोसर्जन एट प्रिंस अली खान हॉस्पिटल, मसीना हॉस्पिटल एंड साबो सिद्दीक हॉस्पिटल. Next with us is a very dynamic doctor and an immunologist, Dr. Umair Bargir. Dr. Umair Bargir, clinical scientist, hai. He is affiliated with ICMR, Indian Council of Medical Research, or National Institute of Immunohematology, se ye associated hai. Aur inka specialization hai human errors of immunity. और ये जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी में स्पेशलाइजेशन रखते हैं. इंशाल्लाह आज के हमारे इस प्रोग्राम में वैक्सीनेशन से रिलेटेड ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस देंगे. नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ वेरी डायनामिक फेलो विद अस दैट इज डॉक्टर अनवार सिद्दीकी. डॉक्टर अनवार सिद्दीकी इज एन MD फ्रॉम पंचकर्मा एंड इज FNRIP फ्रॉम केरला. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट डॉक्टर अनवार इज ही इज रनिंग अ 200-bedded कोविड फैसिलिटी इन नागपुर. He is the director of that COVID healthcare center, and also the center has been visited by the ruling party and the politicians cutting across party lines, and he has done a very appreciative work. जहां तक नागपुर में कोविड केयर सेंटर है और वहां पर जो फैसिलिटीज देना है, ऑक्सीजन की सहूलियत फराहम करना है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. तो चलिए हमारे आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और हमारे गेस्ट का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं. सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सुमैया से रहेगा. डॉक्टर साहब आप हमको ये बताएं कि जो फेक न्यूज और कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं और ये पैंडेमिक के अंदर ये थियरीज किस तरह से ये पब्लिक हेल्थ डिजास्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं. जी शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये कोई नई बात तो नहीं है, हमारे सोसाइटी में बहुत पहले से है. हम ऑल्ट न्यूज साइंस में ये काम तकरीबन तब से करते आ रहे हैं जब से ऑल्ट न्यूज बना था. उसके ऑल्ट न्यूज बना उसके एक महीने के बाद से हम ये सारी चीजें डिबंक करते हुए आ रहे थे. अभी इसका असर ज्यादा नजर आ रहा है हमारे माशरे में, क्योंकि कोविड सिर्फ एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रही है, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गई है. ये आम जिंदगी को अफेक्ट करने लग गई है लोगों की. तो मिस इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जो है वो इस तरह की अभी आती है. पहले सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन आया करती थी, जो जाहिर सी बात है ऐसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो आती है मिस इन्फॉर्मेशन, जिससे मैन्युफैक्चर किया जाता है एक स्पेसिफिक एजेंडा के हवाले से. तो वो मिस इन्फॉर्मेशन आती है स्पेसिफिकली ये मेजोरिटेरियन कंट्रीज में आती है, जहां पे बड़े एक्सट्रीम व्यूज के जो लीडर्स इलेक्टेड होते हैं. इंडिया में अलग तरह की मिस इन्फॉर्मेशन आती है पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ की और US में बहुत फर्क होता है. और जो मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन है, उसमें भी बहुत फर्क होता है. जो छोटी छोटी चीजें जो आसानी से हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज सॉल्व कर देगी, और ये तो छोटी सी चीज हमारे किचन में ही है, या कोई स्पाइस हो गया या कोई हर्ब हो गया या ऐसी चीज जो हमें इजीली अवेलेबल है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है. और फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि उनका एजेंडा इससे बिजनेस से लिंक्ड है, उनका यू नो बिजनेस के हवाले पैसे कमाने से मतलब है, डॉक्टर्स का भी ये एजेंडा है, उनको ऐसा लगता है, तो उस वजह से हमें ये छुपा रहे हैं. और हम जैसे कोविड का अगर एग्जांपल ले तो लेमन, जिंजर, हॉट वाटर, इस तरह की बहुत चीजें आई हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बहुत वायरल हुई हैं, और हमें ऐसा लगता है कि
ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, आम बात है, हमें इस पे क्यों ध्यान देना चाहिए? और हम एज क्लिनिशियंस एंड साइंटिस्ट हम इन चीजों से बहुत डिस्टेंस कर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम क्यों इंगेज करें इन चीजों में? हम ये कह सकते हैं हाँ ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते ना, जो मर्जी करें, पर साथ साथ ये भी दवाई लें जो एक्चुअल में इम्पैक्ट करती है. पर मेरा ये मानना है कि ये इनोक्वस नहीं होती, इसका मतलब ये कि ये नुकसान नहीं करती, ऐसा नहीं होता. ये एक हमारी साइंटिफिक टेम्परमेंट को अफेक्ट करती है, एक कम्युनिटी के साइंटिफिक टेम्परमेंट को, और उसके साथ साथ जो हमारा एक्सपेक्टेशन है मेडिसिन का कि मेडिसिन क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, उसे इम्पैक्ट करती है. तो जब हम उन्हें रियल एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स में पेशेंट्स को लाते हैं, जैसे हम स्टेरॉइड पे पेशेंट्स को रख रहे हैं या फ्रूसमाइड पे या कोई भी एंटीकोगुलेंस या एंटीहाइपरटेंसिव दे रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट में यूज होती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन से ऑक्सीजन से लेके ये सारी चीजें, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ऑल्टर्ड हो जाती है, वो बदल जाती है. एक मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेक्टेशन है पेशेंट की कि ये करने से बिल्कुल कोविड खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन आती है सब जो अल्टरनेटिव थेरेपीज भी है उसमें और कुछ इसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन भी आती है जो प्रूवन नहीं है, जो ये अल्टरनेटिव थेरेपीज भी सपोर्ट नहीं करते, नींबू पानी टाइप की चीजें, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है कि ये बिल्कुल जड़ से चीज निकाल देगा. और एज एविडेंस बेस्ड साइंटिस्ट एंड क्लिनिशियंस हमें लगता है कि ये चीज हम मैनेज कर सकते हैं. तो जब डायबिटीज हम मैनेज करने की दवाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक इंसान को ये मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है उनके सोशल मीडिया पे, फोन पे, व्हाट्सएप पे, कि ये बिल्कुल जड़ से निकाल देगी, तो उसका एक्सपेक्टेशन ही अलग हो गया. तो वो कोई ऐसी दवाई क्यों ले जिससे साइड इफेक्ट है, जो महंगी है और ये उसे प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म भी नहीं करेगी. तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन जो चीज जगाती है, ऐसी जो बात होती है वो मिस इन्फॉर्मेशन की तरह बहुत वायरल हो सकती है. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर ये बहुत ही इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू देन इट प्रोबेबली इज, तो आप कोई भी चीज को आपके फोन में आती है, चाहे वो अल्टरनेटिव थेरेपी है या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो अल्टरनेटिव थेरेपी नहीं है, फिर भी उसे यूज किया गया था कोविड मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा. तो कोई भी चीज आती हो, किसी भी तरह की, हर इंफॉर्मेशन को आप बहुत ही क्रिटिकल व्यू से देखना जरूरी है और हर चीज को क्वेश्चन करना जरूरी है. आपके इंफॉर्मेशन जो भी फोन में आती है वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्ट चेक नहीं होती. आप एक्सपर्ट से पूछताछ कीजिए, आप ऐसी वेबसाइट्स पर रिलाई करिए जो इस तरह की फैक्ट चेकिंग करती है, जैसे ऑल न्यूज साइंस है, पर आप आपके लोकल क्लिनिशियन से भी पूछ सकते हैं और आई एम श्योर उनका भी वही कहना होगा कि इन जो व्हाट्सएप थेरेपीज हैं जिसे आजकल हम कह रहे हैं, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है कोविड-19 पर. जी वेरी गुड. इसके साथ ही साथ एक सवाल ये है डॉक्टर सुमैया कि हम किस तरह से क्रेडिबल हेल्थ इंफॉर्मेशन को पब्लिक में या मास लेवल पर हम इसको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं कि मासेस एट लार्ज या पब्लिक एट लार्ज उनको बहुत क्रेडिबल एंड साइंटिफिक या एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन उनको मिले. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हमारे पास इस तरह के लोग, जैसे यूएस में हमने डॉक्टर फाउची को देखा था और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो सही है गलत है, पर हमारे पास लीडिंग पब्लिक हेल्थ फिगर्स नहीं है जो हम गवर्नमेंट से अपॉइंट किए गए हैं. जो हमारे पब्लिक हेल्थ फिगर्स हैं इंडिया के हवाले से, डॉक्टर हर्षवर्धन है जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं, वो एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मुख्तलिफ लाइन टो करते हैं, थोड़ी सी एस्टैब्लिशमेंट, थोड़ी सी यार बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, और कई बार इन सारी पॉलिसी मेकिंग में डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो बहुत साइंटिफिक नहीं होते हैं. जैसे अगर एक रियल क्राइसिस को सॉल्व करना है तो सबसे पहला जो जिसपे सबसे ज्यादा वजूद देना चाहिए था वो तो वैक्सीन्स है. वैक्सीन्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट और अवेलेबिलिटी और उसके अंदर जो है इनइक्विटी, जो है इनइक्वालिटी है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो ना हो. तो ये किस तरह से पैंडेमिक को निकाला जा सकता है. दूसरा जो था किस तरह से हम एक लॉकडाउन को इम्पोज करके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को बढ़ाएं. लॉकडाउन का वही मतलब था, इसका मतलब ये नहीं था कि अपने आप कोरोना चला जाएगा. उस दौरान लॉकडाउन को इस्तेमाल करके हमारे रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, उसे बढ़ाएं कि जब हमारे पास इस तरह का कोविड वेव आए जैसा अभी इंडिया में आया है, तब हमारे पास इतने रिसोर्सेज हो कि जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं वो अवॉइड की जाएं. क्योंकि अभी जो हो रही है मेजोरिटी ऑफ द डेथ्स
जो हो रही है वो प्रिवेंटेबल है, ये इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है ऑक्सीजन की शॉर्टकमिंग्स से, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टकमिंग से, आईसीयू बेड, मैकेनिकल वेंटिलेशन और इवन ह्यूमन मैन पावर जिसे कहते हैं डॉक्टर्स की शॉर्टकमिंग से, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कब हॉस्पिटल जाना है. लोग बैठे रहते हैं घर में, 70-80 उनका ऑक्सीजन का होता है रीडिंग, और घर में ही उन्हें नहीं पता कि कब मेडिकल हेल्प सीक करनी है. और जब वो मेडिकल हेल्प सीक करते हैं तो बहुत वक्त गुजर गया होता है और उसमें देरी भी हो जाती है. तो उस दौरान एक गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा पावरफुल रोल यही है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसे डिसेमिनेट करना, कैसे हर जगह सही जानकारी पहुंची जाए, सिर्फ क्लिनिकल की क्लिनिशियंस की तरह नहीं, क्योंकि सारे नहीं जाते क्लिनिशियंस के पास, सबके पास डॉक्टर्स का एक्सेस नहीं होता है. तो टेलीविजन मीडिया, टीवी, रेडियो, जो भी न्यूज़पेपर, जो भी मीडिया का रिसोर्स यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ा बजट होता है इन लोगों के पास. ये लोग अपना बजट सही तरीके से इस्तेमाल करके लोगों तक सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं. तो हमारे पास ए पब्लिक फिगर्स नहीं है, हमारे हम सब कुछ 4-5 गिनती के लोग हैं जो एक कई बार वॉलंटरी बेसिस पे, मोस्टली वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, सारा कुछ काम छोड़कर. इतने सारे डॉक्टर्स हैं और आप सबको पता होगा कि ओवर द टाइम हमने इतना ज्यादा ये पैंडेमिक के दौरान काम किया है जो हमारे वर्क उसमें नहीं इंक्लूड था, हमने खुद किया क्योंकि हमारी एक एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये एक जो शॉर्टकमिंग है ये एक गुड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हो सकती है कि जो लोग, जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, जो डेथ्स हम बचा सकते हैं, सबको नहीं बचा सकते, पर जो रिसोर्सेज के वजह से जो डेथ हो रही है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको हम अवॉइड कर सकें. तो ये इंफॉर्मेशन जो डिसेमिनेशन का काम है वो मीडिया और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है. ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट क्रॉस डाला है कि इंडिया का एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज नंबर वन कि हमारे पास कोई ऐसा सेंट्रल पब्लिक हेल्थ फिगर नहीं है या ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो हमको सेंट्रलाइज्ड डिसिमिनेशन ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमको दे सके. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डॉक्टर अनवार से रहेगा. डॉक्टर अनवार से, ही हैज स्टार्टेड अ डेडिकेटेड कोविड सेंटर एट नागपुर, 200 बेडेड कोविड फैसिलिटी. तो मैं डॉक्टर अनवार से पूछूंगा कि आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस सेंटर, आप बताएं कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी क्या हैं, एंड अक्रॉस स्टेट अगर लोग इस तरह की कोई कोशिश करना चाहते हैं तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिले कि व्हाट कैन बी डन एट विच लेवल. जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने जो अभी अपना कोविड हेल्थ कोविड केयर का सेंटर शुरू किया है और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर, ये 80 बेडेड हैं. और इसको स्टार्ट करने के बाद में, जैसा डॉक्टर सुमैया ने अपने अल्फाज में कहा कि हमारी इथिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझते हैं कि हम वो अपनी पूरी कर रहे हैं. दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासन के साथ में मिलकर ये काम करने में एक अलग रस है कि जहाँ पर वो अपने आप में अपंग थे और वो काम वो नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए एक निजी संस्था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवी संस्था साथ में आकर जब काम करती हैं तो समाज के तरफ से अप्रिसिएशन, नागपुर वासियों के तरफ से अप्रिसिएशन, और इतना ही नहीं बल्कि हमारे नेतागण जो इस कोविड में जिन्हें जो स्तब्ध थे, जिनको जैसे सांप सूंघ गया था, उन्हें भी यह एहसास हुआ कि जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस ले रहे हैं, तो समाज के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जमीन पर आकर डॉक्टर्स जो हैं वो वॉलंटरली काम करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया. और इस हमारे इस इनिशिएटिव से हमने ये देखा कि ये एक आशा की किरण के समान उभरा और दूसरी समाज सेवी संगठनाएं भी सामने आई, और ऐसे डॉक्टर्स जो अपनी ओपीडी में दिन रात बिजी थे, जिनके पास में कोई समय नहीं था किसी और काम के लिए, क्योंकि पैंडेमिक है और ये तो एक सुनामी आई हुई है यहाँ बीमारी की और हर घर में मरीज हैं, तो उनके पास में समय नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना समय, अपने कमर्शियल समय को अब जो है वो एक सोशल एंगेजमेंट के लिए अब वो खुद पेश कर रहे हैं. दूसरी समाज सेवी संगठनाएं भी सामने आ रही है, और इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो दूसरे शहरों में भी
बहुत इजीली लॉन्च किए जा सकते हैं। बस उसके लिए जरूरत ये है कि कुछ लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर इतने इतने कर्मठ हों कि वो अपने व्यक्तिगत चीजों को कुछ देर तक किनारे रख सकें, अपनी पारिवारिक चीजों को कुछ देर तक किनारे रख सकें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा देने के लिए कम से कम इस आपातकालीन समय में तैयार हो। सिर्फ लोगों की तैयारी ही इस प्रोजेक्ट्स को हमको कामयाब करवा सकती है, बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज है हमारा जज्बा, प्राइमरी चीज है हमारा डेडिकेशन और प्राइमरी चीज है हमारा डिटर्मिनेशन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे मेरा डॉक्टर हफीज को सवाल रहेगा, अभी डॉक्टर सुमैया की भी जवाब में एक बात आई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं, यानी ऐसे मरीज जो मरने नहीं चाहिए, ऐसे मरीज जो सीरियस नहीं होने चाहिए लेकिन वो सीरियस हो रहे हैं और वो सीरियस होकर मर भी रहे हैं, उनकी डेथ्स भी हो रही। तो एज अ क्लिनिशियन जिसने कोविड आईसीयू संभाला है पिछले 2 साल से, आप एक्सटेंसिवली इसमें काम कर रहे हैं, तो मेरा सवाल डॉक्टर हफीज आपसे ये रहेगा कि आप ये बताएं कि लोग जो हैं व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, यानी बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो लोग और उनके रिलेटिव्स करते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की जान को खतरा हो जाता है, पेशेंट सीरियस हो जाता है और पूरे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव आ जाता है, तो वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग ना करें? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये लॉकडाउन चालू है अभी महाराष्ट्र में 15 डेज का, तो हमको लगता है कि हम घर पे तो हम सेफ है, तो हम घर पे रहने के बाद हम लोग गेट टुगेदर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग के फ्रेंड्स को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता कि वो लोग कितना प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वन ऑफ द फैक्टर्स हम लोग शादी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंगेजमेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बर्थडे पार्टीज हो रही है, बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है कि वो कोई भी मास्क नहीं पहनता गैदरिंग्स में, कि हम लोग घर पे है तो सेफ है या कौन कोविड पेशेंट हो सकता है, ये एक है। दूसरा है कि प्रिकॉशन एक अलग बात है जो हम लोग लेते हैं, मास्क पहनते हैं, पर ये काफी नहीं है, क्योंकि अगर हम खुद अगर पॉजिटिव है और लेकिन हम ऐसे गैदरिंग्स में जा रहे हैं तो हम लोग ये पता नहीं होने के बावजूद भी स्प्रेड करते हैं ये चीजों को, तो प्रिकॉशन सिर्फ हम बाहर जाकर प्रिकॉशंस ले रहे हैं लेकिन पॉजिटिव होकर भी घर पे आते हैं, घर पे बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चे स्प्रेडर्स है आजकल, तो पहले तो ये देखा गया था पहले वेव में बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे लेकिन ये वेव में तो काफी इन्फेक्ट हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। और दूसरा ये है कि लास्ट ईयर से हम लोग ने देखा कि काफी लोग एक साल से घूम रहे हैं बगैर मास्क के, घूम रहे हैं, गैदरिंग्स अटेंड कर रहे हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमको कोविड नहीं हो सकता, इसलिए लोग बहुत रिलेक्टेंट रहते हैं कि हम जल्दी टेस्ट नहीं करेंगे, हमको तो कोविड हो ही नहीं सकता है, हम लोग ने लास्ट 1 ईयर से कुछ प्रिकॉशन लिए नहीं लिया है तो अभी भी कोविड कैसे होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है, कोविड किसी को भी हो सकता है, कोई भी एज में हो सकता है, और हम सोचते हैं कि हमारे भाई कैसा है, वेयरिंग मास्क भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अब रिकमेंडेड एटलीस्ट 3 लेयर्स, वो भी अभी रिसेंट गाइडलाइंस आए कि 3 लेयर्स डबल मास्क पहने, लेकिन तकरीबन हम लोग ने ओपीडी में काम किया है तो वहाँ लोग सदा दस्ती पहन के आते हैं, कोई स्कार्फ पहन के आता है, कोई कपड़े का सिंगल रुमाल पहनता है, किसी ने मास्क भी पहना है तो वो सिंगल लेयर मास्क रहते हैं, और मास्क भी यूज करते हैं तो ये ऐसा कभी कभी पेशेंट्स को देखते हैं, अब गांव के पेशेंट्स हो गए, अनएजुकेटेड पेशेंट्स हो गए, वो सिंगल मास्क ऐसा 6-6 महीने यूज करते हैं, थोड़ा गंदा भी हो जाता है फिर भी वही यूज करते हैं। और सबसे दूसरा है कि फैक्टर्स ये है कि हम लोग को फीवर आया है तो ये कोविड हो सकता है क्या, इसलिए वो काफी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनको अदर देन कोविड टेस्ट कराने का, अदर देन आरटीपीसीआर वो लोग विडाल टेस्ट करते हैं, दूसरे फैक्टर्स के लिए मलेरिया टेस्ट करते हैं, उनको टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, इसमें 2 हफ्ते निकल जाते हैं जब पता चलता है इनको कोविड है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये बढ़ रहा है, लार्ज गैदरिंग्स हो गए, तो अगर ऐसा कंट्रोल करना है, हमको प्रिवेंटिव रहना है तो ये मेजर्स लेना जरूरी है। डॉक्टर हफीज आपने बहुत सही कहा,
कि बहुत सारा हमारा जो प्रॉब्लम है इट इज हम जो पब्लिक हेल्थ पे बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। मास्क लगाने के बजाय हम कभी मफलर लगा रहे हैं, कभी दस्ती लगा रहे हैं, और हम समझते हैं कि जुगाड़ करना ये हमारी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, और मानो हम कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट की तरह जुगाड़ करके कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन कर रहे हैं या बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया सोसाइटी को दे रहे हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर सुमैया से मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आज O2 की शॉर्टेज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कोविड में चल रहा है इंडिया में, और लोग अलग अलग यूनिक जुगाड़ टाइप सॉल्यूशंस के साथ आ रहे हैं कि आप अगर नेबुलाइजर को यूज कर लें तो ये सब्स्टिट्यूट है ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो इस तरह के अलग अलग फेक आइडियाज हैं, जुगाड़ आइडियाज हैं, तो आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी डॉक्टर शाह साहब, ये प्रॉब्लम हमारे लिए इनहेरेंट है, ये हम वी कैन नॉट हेल्प आवर सेल्व टू डू दिस, क्योंकि हम एक सोसाइटी की तरह एक बहुत लो रिसोर्स सोसाइटी है, और लो रिसोर्स सोसाइटी के अंदर इसी तरह से तोड़ मरोड़ कर क्रिएटिविटी बनती है, तो जहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस उस जगह पर इन चीजों के बहुत फायदे हैं। हम कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी सेटअप कर लेते हैं एडहॉक बेसिस पर और वो चल जाता है, पर जब हेल्थ की बात आ जाती है तो हमें एक सिस्टमैटिकली हमें एक बहुत ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक टेम्परमेंट की जरूरत होती है जो जुगाड़ जैसी चीजों पर नहीं रिलाई कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि अभी इस तरह के जुगाड़ जो है, आप जो नेबुलाइजर का जिक्र कर रहे हैं, वो एक वीडियो आया था जो किसी क्लिनिशियन ने ही सर्कुलेट किया था, उसी ने रिकॉर्ड किया था, और उसने ये बताया था कि एक जो रेगुलर एयर नेबुलाइजर है, ऑक्सीजन ड्रिवन नहीं, रेगुलर एयर नेबुलाइजर जो हम लगा दें, अगर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है तो वो आपको उसी तरह से इसकी जगह सप्लीमेंट कर सकता है। तो ये हमें पता है कि जिस नेबुलाइजर में ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल होती, बाज दफा तो होती है, कई जगहों पे नहीं होती, सिर्फ एयर ड्रिवन होता है, तो उसके वजह से आप थोड़ी सी एयर तो एक पंप कर देंगे, पर जैसे कोविड के अंदर होता है, निमोनिया हो गया है, कंजेशन हो गया है, चेस्ट के अंदर फ्लूइड है, पानी भर गया है, तो थोड़ा सा उन्होंने जो एल्वियोलाई है, जो 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 बलून स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स में, उसको थोड़ा सा तो शायद उसने पंप करके इन्फ्लेट कर देना है, और ऐसा लगेगा ब्रीफली हमारे पास बेहतर हमारी कंडीशन जो है शायद लग रही है, आई डोंट नो, डिपेंड करता है कि किस की हालत कितनी बुरी है, पर शायद किसी को लग सकता है कि मेरी हालत टेम्पररी ठीक हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई ऑक्सीजन की वेट कर रहा है, इंतजार में है, क्यू में है, और एक छोटे छोटे पीरियड के लिए, 8-10 घंटों के लिए, 15 घंटों के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, एक छोटे पीरियड के लिए उसे बिल्कुल सांस नहीं आ रही है और उसे कुछ मोमेंटरली दिया जाए, शायद हो सकता है, मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगी, पर अगर यू नो पुश कम्स टू शव, इमरजेंसी सिचुएशन है, हम सब एक्सट्रीम सिचुएशंस में जी रहे हैं और हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि ऐसे डेस्परेट इंसान को सांस लेने के लिए क्या चाहिए, तो जब इस तरह की चीज डिवाइस पड़ी है, श्योर आप लगा लें, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऑक्सीजन को इतनी इंपॉर्टेंट चीज को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, कई लोग देखें कोविड की एक मिस इन्फॉर्मेशन इस तरह की होती है जो जानबूझ के फैलाई जाती है, एक बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, दूसरी इस तरह की होती है जो गवर्नमेंट एक लाइन टो करिए कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है और इस तरह की अल्टरनेटिव मेडिसिन दी जा रही है, पर एक तरह की इंफॉर्मेशन ये भी होती है, दे आर वेल मीनिंग पीपल, दे डोंट वॉन्ट एनी हार्म, बट दे स्टिल वॉन्ट टू मेक श्योर के थोड़ा बहुत कुछ करके शायद किसी का भला हो जाए, और ये उस तरह की शायद मिस इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो बहुत पॉपुलर वायरल हो गया, हमने इसे डिबंक कर दिया और ये कहा कि इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ऑक्सीजन। अगेन मैं ये कहना चाहूंगी, हर चीज को क्रिटिकली देखें, कंफर्म करें अपने क्लिनिशियन से, दोबारा राय लें किसी और से, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे पढ़ सके पढ़ें, रिलायबल रिसोर्सेज से पढ़ें, ये नहीं है कि किसी ब्लॉग से पढ़ लें, ऐसे गूगल कर लें, तो बहुत नुकसान कर सकती है ऐसी चीजें। तो ये अगर आप 2 दिन किसी को देंगे नेबुलाइजर, वो ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। थैंक यू डॉक्टर मजर।
मेरा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर हफीज से है। डॉक्टर हफीज, आप बेसिकली क्योंकि एक इंटेंसिविस्ट हैं, तो हमको ये बताइए कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के इस टाइम में क्या हर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है? क्या हर पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है? और ये ऑक्सीजन थेरेपी इन शॉर्ट आप बताइए कैसी दी जाती है? क्या हम ये कर रहे हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स ये कर रहे हैं कि हम अननेसेसरी उन पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगाते जा रहे हैं, घरों पर बोलिए या कहीं और बोलिए, और हम जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है ऑक्सीजन, उसको उन लोगों से दूर करते जा रहे हैं जिनको एक्चुअल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली पहला जो आपने पूछा कि हर पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि इंडियन सिनेरियो में जब हम रहते हैं तो एटलीस्ट हम लोग के पास ऐसा नॉट डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स, लेकिन ऐसा आइसोलेशन सेंटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि कैसा होता है, हम लोग अभी बेसिकली जगह नहीं मिल रही है, तो हम लोग ने होम क्वारंटाइन के फैसिलिटीज दिए पेशेंट्स, लेकिन हम होम क्वारंटाइन देने के लिए ऐसे स्पेसिफिक टाइम्स पे बुलाते हैं पेशेंट्स को, 8-10 पेशेंट गैदर करते हैं, उनको बोलते हैं कि कम एट 5 o'clock और कम एट 6 o'clock। लेकिन जो होम क्वारंटाइन के लिए जो पेशेंट आते हैं, उनको उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहते हैं, वो बगैर मास्क के आते हैं, कैजुअली मास्क पता नहीं कुछ नहीं होता है, मेरे को तो कोई सिम्टम ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है होम क्वारंटाइन का गवर्नमेंट ने कैंसिल करना चाहिए, इवन नॉन फोटो आइसोलेशन सेंटर चालू करना चाहिए, जहाँ हम लोग एटलीस्ट फॉर अ वीक और टू उनको क्वारंटाइन कर सकते। इसका एडवांटेज ये रहेगा कि उनके जो घर वाले हैं वो हिफाजत रहेंगे, और मॉनिटरिंग बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा इसको, क्योंकि अभी के पीरियड में पहले कैसा रहता था कि यंग पेशेंट्स थे, 10-12 डेज सिम्टम्स नहीं रहते थे, हम लोग विश्वास कर, लेकिन अभी होम क्वारंटाइन मैक्सिमम हम आईसी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो होम क्वारंटाइन के पेशेंट्स, जिनको सिटी में कुछ चेंजेस नहीं थे, लैब रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल थे। अब कैसा होता है कि पेशेंट अगर थोड़ा सिम्टम आया, जाके टेस्ट करा लिया, वो पॉजिटिव आ गया, और सपोज वो पॉजिटिव आया तो उसको वो क्या करता है कि पेशेंट 10-15 जगह हर अलग अलग डॉक्टर से राय मशवरा करता है, कोई बोलता है ब्लड टेस्ट करा लो, कोई बोलता है सिटी करा लो, तो फर्स्ट सेकेंड डे सिटी में चेंजेस नहीं आते, इवन ब्लड रिपोर्ट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। सेकेंड वे में हम लोग जो देख रहे हैं, इवन सिम्टम्स लाइक फीवर, कॉफ, सोर थ्रोट, ये भी नहीं रह रहा है पेशेंट्स को। लेकिन अगर पेशेंट आ रहा है तो आइसोलेशन सेंटर में क्या होगा, पेशेंट का मॉनिटरिंग होगा डेली बेसिस पे, और वो स्प्रेडर भी नहीं बनेगा। तो इसलिए जो पहले गवर्नमेंट ने आइसोलेशन सेंटर्स के लिए ये किया था, वो जरूरी है आइसोलेशन सेंटर के लिए। और अब दूसरा पॉइंट ये है कि हर पेशेंट को ऑक्सीजन लगता है या नहीं लगता है। बेसिकली इसमें कैसा है, पेशेंट अगर पॉजिटिव आता है तो नॉर्मली हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं अभी एक टाइम का, तो उसमें कैसा रह रहा है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे पेशेंट का सैचुरेशन चार्ट स्लिपिंग। अगर आप फोर्थ डे एक्सरे निकालते हैं एब्सोल्युटली नॉर्मल है, सिक्स डे एक्सरे में पूरे शेडोज फ्लफी शेडोज आना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट को होम क्वारंटाइन करके या आइसोलेशन सेंटर में बेटर मॉनिटर हो सकते, तो ऐसे पेशेंट्स को ऑक्सीजन लग भी सकता है नहीं भी लग सकता, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन उनको मॉनिटर करते गए तो बेटर कि उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिलेगा या टाइम पे ट्रीटमेंट चालू हो जाएंगे, तो दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। और दूसरा है इसमें, अब ऑक्सीजन हम लोग कैसे यूज करना चाहिए मेटिकुलसली। अब जो लाइक टारगेट सेट है ऑक्सीजन सैचुरेशन कब लगाना है, तो हम लोग नॉर्मली 90-92 तक नहीं लगाते हैं पेशेंट, इसलिए भी नहीं लगाते कि ऑक्सीजन के भी साइड इफेक्ट्स है, उसके भी टॉक्सिसिटी है। मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन के बहुत सारे, एक नेजल प्रॉन्स है। अब बहुत बार कैसा रहता है, अगर आप नेजल प्रॉन लगाएंगे, और नेजल प्रॉन एक मैक्सिमम एक 32-35-40% तक ये FiO2 दे सकता है डिलीवर, तो उसका मैक्सिमम आप 6 लीटर तक करेंगे तो वो डिलीवर करेंगे। आप वो नेजल प्रॉन को ऐसा 10-12 लीटर पे लगाएंगे तो डिलीवर नहीं करेंगे, उतना वेस्टेज जा रहा है। दूसरा है कि मास्क है, रिब्रीदिंग मास्क है, ऑन रिब्रीदिंग मास्क है, देन हाई फ्लो डिवाइसेस आए हैं, NIV सेटअप्स है और वेंटिलेटर्स है। तो जो माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स रह रहे हैं जिनका सैचुरेशन 90 है, तो हम लोग उनको प्रोन सोने के लिए बोलते हैं, प्रोन सोए तो दे इम्प्रूव बेटर, और लीस मोबिलिटी फ्रॉम बेड। अगर आप एडमिट हो रहे हैं आपको कॉन्सल्टेशन से, लेकिन सैचुरेशन इज बिटवीन 91-92, तो ऑक्सीजन लगाने के बजाय हम लोग बोलते हैं कि आप प्रोन लेटिए, प्रोन लेटने के 10-15 मिनट्स बाद भी सैचुरेशन पिक्स अप,
लेकिन जिनका बहुत ही डेंस कंसोलिडेशन है, ग्राउंडलेस ओपेसिटीज है, पूरा क्रेजी पेविंग आ रहा है सिटी में, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर बिलो सपोज 80-85 आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग पहले ब्रीदिंग बैग पे ट्राई करके देखते हैं। ब्रीदिंग बैग ऑलमोस्ट ऐसा 85% तक ऑक्सीजन डिलीवर करता है, तो वो लोग भी उसमें बेनिफिट होते हैं। नहीं तो मैक्सिमम सेंटर्स पे कैसा होता है, अगर पेशेंट का सैचुरेशन 80 आया है तो उसको डायरेक्ट हाई फ्लो पे लगा दो। हाई फ्लो पे का डिसएडवांटेज है कि एवरी 7 मिनट्स एक जंबो सिलेंडर चेंज करना पड़ता है, इतना कंजम्पशन ज्यादा रहता है हाई फ्लो में। तो इसलिए जो बहुत ही 60-50 आ रहा है, जो यंग पेशेंट है, इनमें हाई फ्लो यूज कर सकते हैं। और जो बहुत ओल्ड एज पेशेंट है, डायबिटिक है, लंग पूरा व्हाइट हो चुका है, और जो तकरीबन हम लोग सीरियल सिटीज या सीरियल एक्सरेस करते हैं, तो उनमें देखते हैं कि बार बार रिपीट कराने के बाद शेडोज बढ़ रहे हैं ऐसे पेशेंट्स के, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी फैटिग में जाने के चांसेस है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग NIV सपोर्ट देते हैं, ताकि वो पेशेंट रेस्पिरेटरी फैटिग में भी ना जाए, पेशेंट को ऑक्सीजनेशन भी बेटर रहे, और पेशेंट के इंट्यूबेशन के चांसेस जितने कम कर सके उतने कम करना है। क्योंकि अगर एक बार इंट्यूबेटेड हो गया है पेशेंट, तो सेडेट करना पेशेंट को 100% FiO2 जा रहा है। और अभी कोविड सिचुएशन इतना ड्रेडफुल है और डॉक्टर्स इतना ड्रेन हो चुके हैं कि पहले जैसा रहता था कि 8 बेड्स है तो इजीली मॉनिटर होते थे, लेकिन अभी एक सेटअप में गए तो ऑलमोस्ट एक 100-बेडेड ICU सेटअप चालू है, जिसमें वर्किंग डॉक्टर्स हार्डली एक शिफ्ट में 3-3 डॉक्टर्स रखे हैं। तो FiO2 कम नहीं करता है कोई भी, वो मॉनिटरिंग करना जरूरी है। अब एक पेशेंट को 100% FiO2 जा रहा है, लेकिन उसका ABG में PO2 करे तो 200 आ रहा है, तो उसको हम लोग इजीली टेपर ऑफ कर सकते हैं। जो टेपर नहीं हो रहा है, तो इसमें भी वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे चीजों में हम लोग जो डॉक्टर्स है वो विजिलेंट रहना चाहिए काफी, और कौन से पेशेंट को कितना फ्लो लगाना है ये भी मॉनिटर करना काफी जरूरी है। कौन से पेशेंट को नेजल प्रॉन्स पे लेना चाहिए, कौन से पेशेंट्स को रीब्रीदिंग बैग्स पे लेना चाहिए। अब बात कर जगह पे ऐसा होता है कि पेशेंट को रीब्रीदिंग बैग पे ले लिया, लेकिन उसको 2 लीटर्स पे चालू है ऑक्सीजन, तो वो हेल्प नहीं करेगा। रीब्रीदिंग बैग के लिए एटलीस्ट 10 लीटर्स ऑक्सीजन के ऊपर रहना चाहिए, तभी जाके उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा। तो ये अवेयरनेस डॉक्टर्स में भी लाना जरूरी है। और रही बात पब्लिक की, तो अभी ऐसा देखा जा रहा है कि एवरी हाउस एटलीस्ट अब देखेंगे ऑल्टरनेट घरों में एक सिलेंडर उन्होंने रिजर्व करके रखा कि हमको लगा तो जरूरत पड़ी तो। इवन मेडिसिन का भी बल्क अप हो रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि घर पे ऑक्सीजन अगर जरूरत पड़ रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कब ऑक्सीजन लगेगा आपको। और 98 सैचुरेशन है, वैसे पेशेंट ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं कि नहीं ऑक्सीजन बाद में कम होगा तो क्या करें, जिनको जरूरत नहीं है तो वहां भी वेस्टेज हो रहा है, वहां कट डाउन कर सकते हैं ऑक्सीजन। रफीज, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे O2 की कमी हो रही है, O2 ट्रीटमेंट की कमी हो रही है, आप हमको ब्रीफ में ये बताएं कि रेमडेसिविर की भी बहुत मार्केट में कमी है, इट्स नॉट अवेलेबल, तो लोग बहुत पैनिक में आ रहे हैं उसकी वजह से, तो इसको वो कैसे सॉल्व करें और रेमडेसिविर के कुछ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं या नहीं है। पर्सनली मुझे लगता है कि रेमडेसिविर का तो कोई अल्टरनेटिव और रेमडेसिविर भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ड्रग है, इसलिए इतना ज्यादा शॉर्टेज होता है। अब सबसेट ऑफ पेशेंट उनको रिक्वायर्ड रहता है रेमडेसिविर, जैसे पेशेंट थोड़ा अर्ली स्टेज में हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, 3rd, 4th, 5th है, हाइपोक्सिया है, सिटी में चेंजेस है, सीवियरिटी सिटी का बिटवीन 8-15 है, यंग पेशेंट्स है, ओल्ड एज पेशेंट्स है, जिनको अर्ली रेमडेसिविर मिल गया तो देशो ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट। हम लोग ने बहुत बार ऐसा रेमडेसिविर देने के बाद जो सिटी में चेंजेस थे, सेकेंड थर्ड डे सिटी रिपीट कराए तो काफी पेशेंट्स के इवन लीजन सबसाइड हो गए। तो सिर्फ रेमडेसिविर अभी गाइडलाइंस आ रहे हैं कि रेमडेसिविर सिर्फ कॉशियसली यूज करो, ICU पेशेंट्स में यूज करो। अब ICU में पेशेंट कब एडमिट हो, जो पेशेंट काफी हाइपोक्सिक उसका भार O2 मैनेज नहीं हो सकता, उसको NIV सपोर्ट लग रहा है, हाई फ्लो लग रहा है, ऐसे पेशेंट ICU में एडमिट होते हैं जिनका सिटी का सीवियरिटी मोर देन 18-24, ऐसे भी पेशेंट। तो ऑलरेडी इतना लंग इन्वॉल्वमेंट होने के बाद ICU स्टे में रेमडेसिविर का इतना ज्यादा यूज नहीं है।
तो अर्ली स्टेजेस में अगर रेमडेसिविर मिला तो काफी बेनिफिशियल है, पेशेंट का स्टे हॉस्पिटलाइज्ड स्टे कम हो जाता है, 5 to 6 days में हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, जिनके ऑक्सीजन का सपोर्ट लग रहा है 3 liters 4 liters रेमडेसिविर देने के बाद वो भी निकल जाते हैं। लेकिन अब रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव हम लोग टैबलेट फैबिफ्लू दे रहे हैं, फैबिपेरावीर। तो टू सम एक्सटेंट वो टैबलेट्स कितना बेनिफिशियल है, इवन लार्जर स्टडी नीड्स टू बी डन ऑन दैट। तो लेकिन आई थिंक जी, तो मेरे ख्याल से रेमडेसिविर डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट ड्रग जरूर है, उसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी हैं, लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए। मेरा डॉक्टर सुमैया से क्वेश्चन रहेगा कि आप भी कुछ अगर इसमें ऐड करना चाहें, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग आप ऐड कर सकते हैं। जी, मैंने रिसेंटली एक मेटा एनालिसिस जिसे कहते हैं, तो रेमडेसिविर के जितने भी ड्रग ट्रायल्स हुए हैं उनको, उन सारा जो सारा डाटा आया है उनको पूल करके, जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है एविडेंस का, जब हम साइंटिफिक एविडेंस की बात करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर, साइंटिफिक एविडेंस बहुत अलग अलग हायरार्की पे चलता है, और सिस्टमैटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस जो एक किस्म का बहुत सारी स्टडीज को लेके आप डाटा को पूल करें और उसके अंदर आप फिर बहुत सारे लोगों के अंदर आप देखें उसका क्या इफेक्ट है, और वो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो बताता है कि ड्रग की एफिकेसी किस तरह की है। और ऐसे ही सारी स्टडीज की जाती हैं ड्रग्स की, वैक्सीन्स की, और जितनी भी आप मार्केट में अवेलेबल चीजें देख रहे हैं। मोस्टली जैसे पैंडेमिक जैसी सिचुएशन में कई बार ड्रग्स की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो जाती है, अगर फेज 3 पब्लिश हुआ है नहीं हुआ है तो भी, जैसे वैक्सीन का रिसेंटली हुआ है इंडिया में, कोवैक्सीन का। पर रेमडेसिविर के अंदर लास्ट ईयर रेमडेसिविर पहले बहुत बार यूज हो चुकी है दूसरी चीजों में, दूसरी वायरल इन्फेक्शंस के अंदर, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह है उसके लिए, और उसमें भी ये इतनी अच्छी नहीं थी मैं ये कहूंगी। पर पिछले साल से कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स एक्स वीवो जिसे कहते हैं, किसी बॉडी के बाहर रिसर्च करने में, जैसे टेस्ट ट्यूब है फॉर एग्जाम्पल, पीट्री डिश है, जो भी हो सकता है, सेल लाइंस है, तो ये वायरस के ऊपर रेमडेसिविर में एक्स वीवो स्टडीज हुई थी और उसमें बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिखाया था वायरल रिडक्शन में। तो जो जीनोम रेप्लिकेशन होता है तो एक फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस है उसका, वो रोक देता है। रेमडेसिविर एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरल है एक्स वीवो के अंदर, सार्स कोव 2 का जो कोरोना वायरस का हमारा वायरस है उसको वो रेप्लीकेट होने से रोकता है। तो इस स्टडी के बुनियाद पर कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे, और 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में अर्ली पिछले साल की बात है, समर के आसपास 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में ये बताया था कि एक छोटे पॉपुलेशन में इसका शायद इम्पैक्ट नहीं है इतना अच्छा। फिर एक स्टडी आई थी जिन्होंने कहा था कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है अर्ली ऑन, जिनको वेंटिलेशन की जरूरत है और जो अर्ली स्टेजेस में है डिसीज के, लेट स्टेजेस में नहीं, जैसे डॉक्टर हफीज बता रहे थे, आईसीयू में नहीं, शुरू के दिनों में अगर दिया जाए उन्हीं लोगों को जो एक जिन्हें रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, और उन्हीं लोगों को जो बिल्कुल शुरुआत में है डिसीज हिस्ट्री में, उनको दिया जाए तो शायद ये काम कर सकता है। तो ये भी एक छोटा ट्रायल था, फिर और वो 2 छोटे ट्रायल भी थे। तो WHO ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पे, 6 WHO के रीजन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोर देन 450 हॉस्पिटल्स के अंदर अभी 12,000 सब्जेक्ट्स के करीब, 12,000 पेशेंट्स को, COVID-19 पेशेंट्स के अंदर रेमडेसिविर का डाटा उन्होंने देखा। उनकी इंटरिम रिपोर्ट आई थी नवंबर में, अभी फरवरी में उनका एक पूरा एनालिसिस आया है, तो उसे कहते हैं सॉलिडारिटी ट्रायल। उस ट्रायल के हवाले से जब उन्होंने एक बड़े पैमाने पे ये दवाई की रिसर्च की, तो कहा कि रेमडेसिविर का प्लेसिबो के या स्टैंडर्ड थेरेप्यूटिक केयर के मुकाबले में ऐसा कोई
डिफरेंस नहीं है. नाउ मैं इसकी वजह बता सकती हूँ आपको बाद में, पर हमने और न्यू साइंस में क्या किया कि इन सब का डाटा हमने पूल किया देखने के लिए कि शायद कोई इफेक्ट आता है या नहीं. तो इसके अंदर बहुत ही मामूली सा इफेक्ट आ रहा था, और वो भी जिसे कहते हैं कि 40 साल के लोगों में, बिटवीन 40 एंड 50 इयर्स ऑफ एज, आपकी मोस्टली कोमोर्बिडिटीज नहीं है, आपकी जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है पर आप आईसीयू में नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल शुरू में है. द कंफाउंडिंग फैक्टर हियर इज फॉर रेमडेसिविर और एनी एंटीवायरल फॉर दैट मैटर, के जब पेशेंट आते हैं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं फ्रंट लाइन पे नहीं हूँ पर मैं साइंटिफिक डेटा को देखती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे रिसर्च में जो एक कंफाउंडिंग फैक्टर है कि जब आप पेशेंट आते हैं उसके क्लिनिकल सिम्टम्स जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी, तो वो ऑलरेडी एक फिफ्थ सिक्स डे पर होते हैं डिसीज के हवाले से. थर्ड सेकेंड डे में नहीं आते पेशेंट, रेयरली होते हैं, क्योंकि जब तक आपको सिम्टम्स आते हैं कोविड के, आप ऑलरेडी एक जीनोम रेप्लिकेशन पीरियड से गुजर चुके होते हैं. एक बीएमजे में बहुत ही अच्छा आर्टिकल है डिसीज हिस्ट्री के बारे में बताया है कि कैसे जो जीनोम रेप्लिकेशन का पीरियड है वो बिटवीन 0 and 8 days में सबसे ज्यादा है, पीकिंग एट अबाउट 6 days, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ही ओवरलैपिंग पीरियड है, पर जब हॉस्पिटल में प्रेजेंटेशन होती है तो वहां से माइल्ड मॉडरेट सिवियर कोविड में एक और पीक आता है, और वो दोनों ओवरलैपिंग चीजें नहीं है. तो जब जैसे डॉक्टर हफीज ने कहा कि जो एंड स्टेज में है, जब आपके एक साइटोकाइन स्टॉर्म, हम जैसे कहते हैं एक वायरल का हमारे इम्यून सिस्टम का जो रिएक्शन है, उस वजह से हमारे जो ऑर्गन डैमेज होते हैं, लंग डैमेज होते हैं, उसके वजह से हमें वेंटिलेशन या ऑक्सीजन या ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत होती है, वो एक लेटर स्टेज का है. वहां पे वायरल को आप रिड्यूस करना की कोशिश करेंगे तो आपका हेल्थ पे, क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट पे कोई असर नहीं होगा. तो वहां पर तो आप बात नहीं कर सकते रेमडेसिविर की, पर वो शुरू में जब कहते हैं, हो सकता है शुरू में आप दे सेकेंड थर्ड डे पे तो शायद होप हो, पर यहाँ कंफाउंडिंग फैक्टर यही है कि जब तक आपके क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं और आपको लगता है कि मुझे कोविड है और मैं हॉस्पिटल जाऊं, तब तक ऑलरेडी वो टाइम गुजर चुका होता है, फिफ्थ सिक्स डे पे ऑलरेडी इंसान होता है. शुरू में जब वो इन्फेक्टेड होता है, पहले 0, 1, 2, 3 days पर, तब वो मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, तब पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसे सिम्टम्स है. हो सकता है शायद मामूली सी नजला जुकाम किस्म का हो, खांसी किस्म की हो, पर मोस्टली हॉस्पिटल में वो उस टाइम पे नहीं आते हैं. तो ये बहुत बड़ा कंफाउंडिंग फैक्टर है कि हम जब इसे टेस्ट करें रेमडेसिविर को, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर पे जब हमें कोविड होता है हमें नहीं पता होता है, हम फिर भी स्प्रेडर होते हैं उस टाइम पे, हम इन्फेक्शन दे सकते हैं पर हमें पता नहीं होता. सेकेंड बात ये है जी, सेकेंड बात ये है कि आपने जिक्र किया था डॉक्टर हफीज कि इसका इम्पैक्ट है क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट का. उस सॉलिडारिटी ट्रायल के अंदर जब बड़े पैमाने पे देखा गया, क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं था, ना कि कोई मोर्टैलिटी पे इम्पैक्ट था. उससे उतनी ही डेथ्स हुई थी रेमडेसिविर की जितनी कंट्रोल से हुई थी या स्टैंडर्ड केयर से हुई थी. तो बच नहीं सकते इससे, कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है ये मैं कह दूं, और कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ था जिससे हॉस्पिटल टाइम रिड्यूस हो रहा है. अगेन इसमें कंफाउंडिंग फैक्टर है कि जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो डॉक्टर्स गिनते हैं कि आपके सिम्टम्स से कितने दिन हैं अभी तक, तो वो दिन एक स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार सिम्टम्स किसी को फोर्थ डे पे आएगा, किसी को फिफ्थ डे पे आएगा, तो वो जो एक असेसमेंट है पेशेंट का उस पर हम चलते हैं कि ये आपका कौन सा डे है, तो वो लाइकलीहुड जो है वो काफी स्क्यूड होता है. तो उस वजह से हमें नहीं पता कि जब पेशेंट, क्योंकि मोस्टली तो लोग रिकवर हो जाते हैं इससे, तो हम जब कह रहे हैं कि हम 4 लोगों को 5 लोगों को देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये जो वही लोग थे जो रिकवर होने वाले थे ऑटोमेटिकली या नहीं होने वाले थे. मैं नहीं कहती कि ये एंटीवायरल बिल्कुल नहीं काम करता, पर जो अभी डेटा देखा है हमने क्लिनिकल ट्रायल्स के, और अब जब मैंने और न्यू साइंस के अंदर हमने जो ये मेटा एनालिसिस देखा है, इसके अंदर एविडेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है. और उससे बढ़कर जो साइड इफेक्ट्स हैं रेमडेसिविर के, वो काफी ज्यादा हैं.
और जब इस तरह से शॉर्टेज क्रिएट हो गई है रेमडेसिविर के, सबको लगता है कि एक लाइफ सेविंग ड्रग है वो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोर्टैलिटी का तो फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता अगर शायद क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट देख भी लो तो, क्योंकि अगेन मोस्टली लोग रिकवर हो जाते हैं. सेकेंडली, हमारे इस आर्टिकल के बाद ऑल्ट न्यू साइंस के ICMR ने भी अपना स्टैंड चेंज कर लिया कुछ ही दिनों में, कि ये ICMR ये एक इंटरवेंशनल, एक ट्रायल के हिसाब से ड्रग आप यूज कर लो तो ठीक है, पर इसका कोई एज सच एविडेंस नहीं है ग्लोबल स्केल पे. और वो जो WHO का ट्रायल है वो एक ऑनगोइंग ट्रायल है, अब तक वो कह रहे हैं मोर देन 45,000 लोगों से ज्यादा उन्होंने इसमें ट्रायल में इंक्लूड कर लिए हैं, तो ये 12,000 से भी बढ़ गए, तो ये एक ऑनगोइंग ट्रायल है और वो देखते ही जा रहे हैं. और वो जो डेटा अक्यूमुलेट हुआ है वो अभी उसी हाइपोथेसिस को रीइंफोर्स कर रहा है कि रेमडेसिविर और दूसरी जो ड्रग्स देखी थी उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की तरह, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है मोर्टैलिटी पे, ना कि हॉस्पिटल रिडक्शन के टाइम पे. एक छोटी स्टडी आई थी वो भी कंफाउंडिंग रिजल्ट्स थे उसमें, तो बस मेरा यही इसमें कहना है. चलिए, एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात आई है कि डेफिनेटली रेमडेसिविर तो यूज तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुई, रेमडेसिविर भी हुई, डेफिनेटली पेशेंट को क्लिनिशियंस देते हैं, क्लिनिशियंस का अपना जजमेंट है, लेकिन क्योंकि हमारी ऑडियंस के लिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ जो दी जाती हैं या दी जा रही हैं कोविड में, वो बहुत सारे ट्रायल बेस पर है, हो सकता है कि उसके इतने इम्पैक्ट्स ना हो. बहरहाल ये टेक्निकल स्टडी है, लेकिन हमको इससे जो टेक होम मैसेज मिल रहा है, डॉक्टर हफीज की भी जो बात आई, डॉक्टर सुमैया की भी जो बात आई, वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, आपको मिल जाए वेल एंड गुड, लेकिन अगर मिलती नहीं है तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है. साइंटिफिक कम्युनिटी का डाटा आता रहेगा, ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर अगर मिल जाएगी तो आपकी एकदम से जान बच जाएगी, या रेमडेसिविर नहीं मिलेगी तो एकदम से जान आपकी चली जाएगी आपके पेशेंट की. डेफिनेटली दो इम्पॉर्टेंट दवाइयां हैं जिन जो आपके पेशेंट को मिलनी चाहिए. स्टेरॉइड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, और दवाई खून को पतला करने वाली जो दवाइयां हैं वो आपके पेशेंट को मिलनी चाहिए. तो मेरे ख्याल से हम हमारे सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वैक्सीनेशन की तरफ. ये वैक्सीनेशन हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है. 1 मई से मुल्क भर में जनरल वैक्सीनेशन आम हो जाएगा, 18 साल से ज्यादा वाली उम्र के लोगों के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए. अगेन वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी मिसकंसेप्शन हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर उमेर जो है इस पे कुछ हमारी रोशनी डालें. डॉक्टर उमेर जो के इम्यूनोलॉजिस्ट भी हैं, ICMR से अफिलिएटेड हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हिमाटोलॉजी के वो एसोसिएटेड हैं, फेलो हैं और वहाँ काम भी करते हैं. तो डॉक्टर उमेर से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन है वो कौन ले, कौन सी वैक्सीन ले, और एक वैक्सीन से लेने के बाद दूसरे वैक्सीन के बीच में वक्त कितना होना चाहिए, और ये जो अलग अलग सार्स कोविड 2 की वैक्सीन आ रही हैं इनका मैकेनिज्म क्या है काम करने का, जी आप बताएं. तो अभी फर्स्ट से जो है इंडिया में वैक्सीन जो है 18 ईयर से ज्यादा की उम्र के सबके लिए ओपन हुई है. फिलहाल जो है 2 वैक्सीन कॉमनली अवेलेबल है. मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये व्यूज जो है ये मेरे है, ये ICMR या मेरे इंस्टीट्यूट के नहीं है, मैं मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बता रहा हूँ. तो कोवैक्सीन जो है ये भारत बायोटेक और ICMR का एक जॉइंट वेंचर है, जिसके अंदर जो है जो वायरस है पूरा वायरस उसको इनएक्टिवेट किया जाता है. मतलब एक जिंदा चीज होती है जिसे उसकी जो रेप्लिकेट करने की पावर है उसे खत्म कर दिया जाता है. और ये टेक्नोलॉजी जो है इससे पहले रेबीज जैसी बीमारी है, इन्फ्लुएंजा है, जैपनीज एंकेफेलाइटिस है, पोलियो है, ऐसी बीमारियों में ये टेक्नोलॉजी पहले काफी सक्सेसफुली यूज की गई है. वो टेक्नोलॉजी से कोवैक्सीन ये वैक्सीन बनाया गया है. दूसरा जो है कोविशील्ड, इसके अंदर जो है एक चिंपैंजी एक बंदर की प्रजाति है, उसके अंदर एक एडिनोवायरल वेक्टर होता है. वेक्टर मतलब एक व्हीकल होता है, जिसे जो है व्हीकल यानी एक जरिया है जिससे कि वो जो टारगेट है आपका उसको बॉडी के अंदर लाना है. तो वो टारगेट को स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं. तो वो जो है बहुत ज्यादा पावरफुल इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज रखता है.
मतलब कि अगर आपके इम्यून सिस्टम ने, आपके बॉडी के जो इम्यून सेल्स है उन्होंने अगर उसे पहचाना, तो अगली बार जब भी आपका उसके साथ कांटेक्ट आएगा उस स्पाइक प्रोटीन से, वो फिर से जो है एंटीबॉडीज बनाएंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो एंटीबॉडीज बनाने का जो स्पाइक प्रोटीन है, ये उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। और ये वैक्सीन जो है ये ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और इंडिया में जो है सीरम इंस्टीट्यूट, इनका सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। ये दोनों ही वैक्सीन के दो डोसेस है, बाकी और कई वैक्सीन है जो इंडिया में जो है नियर फ्यूचर में आने वाले हैं, जो बाहर की कंट्रीज में जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, जेजे की वैक्सीन है, स्पुटनिक फाइव है, ये सब वैक्सीन जो है ये आने वाले हैं। तो ये वैक्सीन जो है मेजॉरिटी वैक्सीन के दो डोज है, सिर्फ जीएनजे जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है वो सिंगल डोज वैक्सीन है। फर्स्ट डोज के बाद मिनिमम 4 वीक्स का गैप रिकमेंडेड है, बट यूके गाइडलाइंस और जो अभी जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसके हिसाब से जो है आप 4 से ज्यादा 6 to 8 वीक्स के बाद में भी सेकेंड डोज ले सकते हैं। आपके फर्स्ट डोज लेने के बाद ऐसा नहीं है कि इमीडिएट जो है आप सुपरमैन बन जाएंगे और आपको कोविड नहीं होगा। आपको जो है फर्स्ट डोज लेने के बाद कोविड अगर पहले हुआ था, जैसा आपने सुना होगा लोगों को, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो वैक्सीन लिया और अगले हफ्ते या 4 दिन में हमको कोविड हो गया, तो आपको पहले ही कोविड था, वो डिटेक्ट बाद में हो, ठीक है। तो दोनों डोज वैक्सीन के जाने जरूरी है, उसके बाद 14-15 डेज के बाद आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम जो है वो जो ये SARS-CoV-2 वायरस है इसको पहचानेगा और इसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज बना के आपको प्रोटेक्ट करेगा। वैक्सीन लेने के बाद आपको COVID-19 नहीं होगा ऐसा नहीं है, चांस कम हो जाता है, सीवियरिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो वायरस को पहले पहचानती है, तो उसके लिए जो एंटीबॉडीज है, जो प्रोटेक्शन है, वो रेडी रहता है। तो इसीलिए जो है ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन ले लिया तो मास्क निकाल के जो है आप हर बाजार में घूमे, आपको उसके बाद भी जो भी प्रिकॉशंस है वो आपको लेने रहते हैं, क्योंकि आपको COVID-19 हो सकता है, ठीक है। और आपको अगर हो गया, आप वैक्सीन के वजह से भले ही माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक रहे, बट आपके साथ वाले जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया होगा उनको आप फैला सकते हैं, तो इस बात का बहुत ही ध्यान से ख्याल रखना है। दूसरा, जो लोग नहीं ले सकते हैं, तो जिनको एलर्जिक रिएक्शन फर्स्ट डोज के बाद हुई थी, या फिर जो लोगों को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की टेंडेंसी रहती है, कोई वैक्सीन पहले ली थी या कोई ड्रग्स है या फिर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, तो वो लोगों ने इस वैक्सीन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो वैक्सीन। और जो लेडीज जो प्रेग्नेंट है या जो लैक्टेटिंग है, तो अभी गाइडलाइंस के हिसाब से जो है उन्होंने भी जो है ये वैक्सीन नहीं लेना है। स्पेशल प्रिकॉशन के तौर पर जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, वैसे इंडिविजुअल्स को स्पेशल प्रिकॉशन के तहत वैक्सीन लेना है। बाकी जो इंडिविजुअल्स है जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, जिनको हार्ट की कोई बीमारी है, ऐसे सब लोग जो है ये वैक्सीन ले सकते हैं। जी जज़ाकअल्लाह, आपने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया वैक्सीन के बारे में, कौन कौन सी टाइप की वैक्सीन है। ब्रीफ में डॉक्टर साहब आप ये बताइए हमारे जो ऑडियंस है उनको, जैसे अगर मैं हूँ और मैं वैक्सीन लेने से डरता हूँ, मुझे ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज मेरे दिमाग में है कि मैं वैक्सीन लूँगा तो शायद मैं स्टरलाइज्ड हो जाऊँगा, या ये वैक्सीन सॉर्ट ऑफ एक आप कहें कि सर्विलेंस का एक जरिया है जो आगे यूज होगा, तो आप क्या समझते हैं कि ये वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एक पंच लाइन में आप ऑडियंस को क्लियर बताएं कि वैक्सीन लेना कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी कितनी अहमियत है। देखिए, वैक्सीन को आप 2 लेवल पे देखिए। इंडिविजुअल लेवल पे जो है आप खुद बच जाएंगे, आपको जो है सीवियर डिजीज होने के चांस बहुत 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 ज्यादा कम हो जाते हैं। और एक कम्युनिटी लेवल पे अगर हर्ड इम्यूनिटी लानी है, आपको जो है आपको आपके परिवार को, आपके आजू बाजू वालों को, आपको पूरे स्टेट को, पूरे कंट्री को बचाना है, तो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है ताकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। तो इसलिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। बाकी ये जो अफवाह है इसको जो है ध्यान न दे, आपका जो है आपको सर्वेलेंस करके आपका किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वैसे ही बात है कि नोट में जो है चिप लगाई है जिससे कि नोट का पता चले, ये सब अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। जी जज़ाकअल्लाह।
डॉक्टर मजहर खान मुल्ला न्यूरोसर्जन बहुत देर से वेटिंग है सर आपके लिए, क्योंकि आप सायन हॉस्पिटल में यू आर द कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन और आप पिछले 2 साल से वहाँ हैं और धारावी से ये करीब होने की वजह से पूरा पेशेंट ड्रेन धारावी का यही होता है, तो कोविड को आपने बहुत करीब से वहाँ देखा है, तो ये 2 साल में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑडियंस के लिए जो आप एज अ गाइडेंस उनको देना चाहें कि कोविड से रिलेटेड और ये कोविड की सेकेंड वेव से रिलेटेड वो क्या है? थैंक यू डॉक्टर शादा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब लास्ट ईयर ये वेव यहाँ पर स्टार्ट हुआ था मुंबई में, तो सबसे ज़्यादा डर चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिशियन हो, सबके दिल में धारावी का ही था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें प्रिवेंटिव मेजर होता है कोविड में, और उसी के कारण हम लोग बच सकते हैं जब लॉकडाउन लगा था। लेकिन धारावी जैसे एरिया में बहुत मुश्किल होता है, या फिर कहीं भी रिमोट एरियाज में, मुंबई पुणे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि यहाँ पे पेशेंट इनिशियली जिस तरह से आए, और फर्स्ट वेव में एक्चुअली इतना ज़्यादा पेशेंट अगर सेकंड वेव से कंपेयर किया तो इतने ज़्यादा एक ही वक्त मतलब एक ही दिन में जो अचानक पेशेंट लोड आजकल आ रहा है वैसे नहीं आता था। लास्ट ईयर हम लोगों ने आईसीयू मैनेज किया, आईसीयू में हमने काफ़ी पेशेंट देखे, और हमने देखा कि जिस तरह से लास्ट ईयर का था वो हम लोग जितनी रिसोर्सेज थी हमारे पास तब भी दिक्कत आई थी, हमें वायरस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, हमें बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, रिसर्चेस चल रही थी, इसके बावजूद भी वो सब कुछ मैनेज हो गया। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, मैं अभी फिलहाल एक को इन्वेस्टिगेटर हूँ DCGI जो है हमारी इंडिया की, जो डायरेक्टर कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है, उसकी एक अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल का मैं रिसर्च का को इन्वेस्टिगेटर हूँ। इसमें मेरा काम है कि हर रोज कोविड वार्ड में जाकर पेशेंट्स को जो न्यू एडमिशन्स होते हैं उनको स्क्रीन करना और उनके ऊपर रिसर्च करना। तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ इस सेकंड वेव में कि जो पेशेंट्स है वो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे थे। शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये शुरू हुआ था लगभग 2 हफ्ते पहले, तो इस अस्पताल में जिस तरह से तब तक कोविड वार्ड बंद हो चुके थे क्योंकि वेव हमारे सब फर्स्ट वेव खत्म हो चुका था लगभग, लेकिन जब सेकंड वेव शुरू हुआ तो हमें 1 से 2 दिन में हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन को लगभग 5 से 6 न्यू वार्ड्स ओपन करने पड़े अचानक से, क्योंकि पेशेंट अचानक कुल एक ही दिन में ढेर सारे पेशेंट्स ऐसी बहुत सारी तादाद में आ रहे थे। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट्स थे यंग पेशेंट भी आ रहे थे जो फर्स्ट वेव में हमने नहीं देखे थे। यंग पेशेंट्स मैंने देखे कि सीधे 15 से 20 लीटर जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे आ रहे थे, 15 लीटर NRBM पे भी वो बहुत ज़्यादा टैकिपनिक थे और ब्रेथलेस थे, 32, 38, 40 ईयर्स एज विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी। जो फर्स्ट वेव में मैंने ऐसी ड्यूटी में मैंने देखा कि जितने यंग पेशेंट्स आते थे उसमें सभी के सभी लगभग कुछ ना कुछ कोमॉर्बिडिटी के साथ आते थे, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो, डायबिटीज़ हो अनकंट्रोल या इस तरह के। लेकिन इस वे में मैंने देखा कि इवन विदाउट एनी कोमॉर्बिडिटी पेशेंट्स आ रहे थे जो कि बिना किसी कोमॉर्बिडिटी के थे, ठीक है, ये सारी ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन अलहमदिल्ला से अभी अब आज मैं आज की तारीख में अगर बात करूँ तो जो फर्स्ट डे था सेकंड डे था तब से लेकर आज यहाँ पे हालात तो बहुत काबू में है, बहुत कंट्रोल में है, लगभग पेशेंट का फ्लो काफ़ी कम हो चुका है और आज जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो पा रहे हैं। बहुत से पेशेंट डिस्चार्ज भी, हमने हमारे रिसर्च में जो पेशेंट्स इंक्लूड किए ऑलमोस्ट सभी डिस्चार्ज भी हो चुके और यही मेरा फिलहाल तो ऑब्जर्वेशन है कि सेकंड वेव में एक तो यंग पेशेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीवियर हो रहे हैं पेशेंट्स, यही मेरा ऑब्जर्वेशन है। जी, तो सेकेंड वेव में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको समझ में आती है डॉक्टर साहब, वो यही आपकी बात से हमको मालूम हो रहा है कि यंग लोग आ रहे हैं और यंग लोग सीवियर डिजीज में जा रहे हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं है ऐसे लोग भी सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज में जा रहे हैं। और डेफिनेटली इसका एक जो रीज़न दिया जाता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेंट्स हैं, अलग अलग टाइप के म्यूटेंट्स हैं जो इंडिया में अभी फिलहाल में चल रहे हैं। अमरावती का एक म्यूटेंट है, अफ्रीकन एक म्यूटेंट है, श्रीलंकन म्यूटेंट की बात चल रही है। तो ये म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ वायरस है जिसकी वजह से अब जो कोविड हो रहा है वो यंग को भी हो रहा है, बहुत इंटेंसिटी से हो रहा है और पेशेंट बहुत ज्यादा उनकी अमवात भी हमको देखने को मिल रही है। डॉक्टर मजहर, मेरा एक और आपसे सवाल ये रहेगा, वो वैक्सीन रिलेटेड रहेगा और आप एज ए न्यूरोसर्जन हैं उससे भी रिलेटेड रहेगा।
वैक्सीन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो आ रहा है, जिसको लेकर पब्लिक एट लार्ज में बहुत कंसर्न है, वो थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस है। मतलब वैक्सीन लेने के बाद लोगों को स्ट्रोक हो रहा है। डेफिनेटली उनकी परसेंटेज या तादाद बहुत कम है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, थोड़ा सा लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर डर जो है इस चीज ने पैदा किया है। तो आप इस पे पब्लिक को कैसे गाइड करेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? कि ये जो वैक्सीन के बाद स्ट्रोक हो रहा है, ये जो खबर है, ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है उससे रिलेटेड थी यूके में, जिसका जो रिसर्च डाटा आया था दो मेटा एनालिसिस का, जिसमें पाया गया था कि इसका रेट जो है वो 0.0004% है। मतलब लगभग 1 मिलियन 10 लाख लोगों में 4 लोगों में ये साइड इफेक्ट पाया गया। तो उसके बाद भी वो काफी इनसिग्निफिकेंट है अगर हम देखा जाए तो। ये रिस्क अगर हम बर्थ कंट्रोल पिल्स में देखें तो उसमें 0.05% होता है। स्मोकिंग से रिलेटेड अगर आप देखें तो अगर क्लॉटिंग होने का रिस्क 0.18% होता है। और कोविड बीमारी का खुद का क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वायरस का, जिसमें ही ये रिस्क 16% है लगभग। तो अगर किसी इंसान को कोविड हो जाता है, उसमें ब्लड क्लॉट होकर डी-डाइमर उसका रेज हो जाता है, उससे स्ट्रोक होने का या फिर हार्ट अटैक होने का रिस्क रहता है, वो 16% है। और वैक्सीन का रिस्क उससे 0.0004%। जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये एस्ट्राजेनेका की ही डिवेलप्ड वैक्सीन है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर किया तो वैक्सीन लेना ज्यादा समझदारी की बात है, क्योंकि वैक्सीन से दूसरी बात यह कि हम लोगों ने जितना यहाँ पे वैक्सीन इनिशियली स्टार्ट हुआ था, वैक्सीन के बाद हमने देखा है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है उनको बहुत री इन्फेक्शन नहीं हुआ है कोई भी, मतलब कोविड का इन्फेक्शन सेकेंड वेव में। और जो कि उन लोगों को हुआ है, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में मेरे जूनियर को हुआ है या फिर बाकी अस्पताल में जो लोगों को वैक्सीनेशन के बाद अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो इतना माइल्ड था कि वो 3 से 4 दिन में ठीक हो गया बिल्कुल तुरंत। तो ये एक चीज है। तो जो थ्रोम्बोसिस या स्ट्रोक का जो रिस्क है वो मेरे ख्याल से तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है एज पर अभी तक जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है मेटा एनालिसिस का। लेकिन इंडियन सेटिंग्स में, इंडिया में अब तक जो 11 करोड़ वैक्सीनेशन का डाटा गवर्नमेंट ने दिया था, इसमें अब तक थ्रोम्बोसिस के रिस्क का कोई अब तक रिकॉर्ड अब तक तो नहीं आया है। सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि 11 करोड़ वैक्सीनेशन में फर्स्ट डोज के बाद 0.04% लोगों को फिर से कोविड इन्फेक्शन हुआ था वैक्सीनेशन के बाद, और सेकंड डोज के बाद भी लगभग सिमिलर ही नंबर थे, 0.04% लोगों को इन्फेक्शन हुआ था वैक्सीनेशन लेने के बाद। लेकिन ये इन्फेक्शन सभी पेशेंट्स में लगभग इतने माइल्ड थे कि वो तुरंत ठीक हो गए थे। तो मेरा इसके बारे में कहना यही है कि वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है, लोकल पेन हो, टेंडरनेस हो, जैसे कि मैंने भी वैक्सीन लिया था तो वहाँ पे पेन, हर किसी को पेन होता है, एक लगभग दिन होता है, लगभग एक दिन ही रहता है, पैरासिटामोल आप लोगों को पेन चला जाता है, हल्का सा बदन दर्द होता है, बट वो साइड इफेक्ट्स के कंपेरिजन में बाकी जो चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो साइड इफेक्ट्स कैन लाइक टॉलरेट दैट साइड इफेक्ट्स। इसमें मेरा मानना यही है कि जो मेजर साइड इफेक्ट्स है स्ट्रोक या फिर जो MI है का रिस्क है आफ्टर वैक्सीनेशन, वो मेरे ख्याल से उसके लिए अब और स्टडी की जरूरत है इंडियन सेटिंग्स में, या AFI के जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, उसके बाद ही हम कह पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो डाटा अवेलेबल है उसमें बहुत ही निगलिजिबल रिस्क है। जी, यानी ये है कि डेफिनेटली रिस्क तो है लेकिन इतना कम है के उसके मुकाबले बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ या ऐसी चीजें जो हम डे टू डे में यूज करते हैं, उनका रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या स्ट्रोक का रिस्क उनका इससे कहीं ज्यादा है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो पिल्स ओसी पिल्स हो, ये तमाम चीजों का। तो डेफिनेटली वैक्सीन जो है तमाम लोगों ने लेना चाहिए। मेरा एक सवाल रहेगा डॉक्टर उमेर से। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि वैक्सीन जो है डेफिनेटली ऐसे भी हमारे कुछ पेशेंट्स रहेंगे, ऑडियंस रहेंगे, कि अगर कोई फीमेल है, कोई खातून है, वो प्रेग्नेंट है, या खातून है जो नर्सिंग पीरियड में है, या ऐसी कोई खातून जो अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रही है, तो क्या इन लेडीज में वैक्सीनेशन इन्होंने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वैक्सीन को रिलेटेड इनके अंदर क्या गाइडलाइंस हैं? क्योंकि ये देखने में आ रहा है क्लिनिकली कि
जो कुछ भी अमवातें या डेथ हो रही हैं, इन डेथ्स में एक साइजेबल या ठीक सी पॉपुलेशन ऐसी लेडीज की भी हैं जो प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी और वैक्सीनेशन इसको लेकर आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। जो दो वैक्सीन्स है अभी अवेलेबल वो प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो है अभी जो करंट गाइडलाइंस है वो हिसाब से वो वैक्सीन्स नहीं ले सकते। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो फिर वो वैक्सीन के दो डोज लेने के बाद भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। उनका जो है 1 से 1.5 महीने का जो है बस एक ही या दो ही साइकिल जो है वो आगे जाएगा, तो वो वैक्सीन ले के फिर प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बट अगर करंटली प्रेग्नेंट या लैक्टेशन या फिर वो जो फीड कर रहे हैं नर्सिंग मदर है, तो फिर वो वैक्सीन नहीं ले सकते। जी जज़ाकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो कुछ भी सेशन रहा है बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है। हमने कोशिश की है कि अलग अलग डायमेंशन से कोविड की सेकेंड वेव जो इंडिया में चल रही है उसके ताल्लुक से इंफॉर्मेशन आए। मैं तमाम ये एस्टीम्ड पैनलिस्ट से गुजारिश करूँगा कि लास्ट में आप ऑडियंस को ब्रीफ में एक टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद डॉक्टर हफीज, देन डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर मजहर एंड देन डॉक्टर तुमेर। मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स मास्क पहनना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्ली टेस्टिंग करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो अर्ली हॉस्पिटलाइज, क्वारंटाइन फॉर एटलीस्ट पीरियड ऑफ अ वीक रहना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन का ज्यादा घर पे यूज ना करें क्योंकि ऑक्सीजन के भी साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी रहती है, उससे भी लंबी जगह में चांस। तो इसलिए आप ऑक्सीजन भी प्रॉपर डॉक्टर्स के गाइडलाइंस से घूम लें। लोग टेपर करते हैं, कभी बढ़ाते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन घर पे मत यूज करो, हॉस्पिटल में आके ही ऑक्सीजन दो। और दूसरा है कि लोग अब बहुत सारे नए सेंटर्स आना चाहते हैं, उनके लिए छोटा सा एक एडवाइस कि हम लोग सेग्रीगेट करें पेशेंट, आइसोलेशन वार्ड बनाए जिनको ऑक्सीजन लग रहा है, जिनको नहीं लग रहा है, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कोविड से उनको अलग सेक्शन में, जो सर्जिकल जिनको रिक्वायरमेंट है या जो सर्जरी के बाद पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए अलग सेटअप। तो सेग्रीगेशन से कैसे हो जाएगा, एक तो ओवरलोड भी नहीं होगा, हैपाजर्ड भी नहीं रहेगा, और प्रॉपर जो फील्ड के कंसल्टेंट्स से, गायनेकोलॉजिस्ट से, सर्जन से, कार्डियोलॉजिस्ट है, ये लोग न्यूरोसर्जन से लीड हो रहे हैं काफी लोग, तो ये लोग प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। तो जो सेटअप्स कर रहे हैं तो ये गुजारिश है सबको, सब पेशेंट्स को एक साथ आने से हवा क्रिएट होता है, तो ये सेग्रीगेट करना जरूरी है। और खुद का ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। जी डॉक्टर सुमैया। जी थैंक यू सबके लिए फॉर दिस वंडरफुल पैनल एंड फॉर यू टू ऑर्गेनाइज दिस। डॉक्टर शहबाब, आई वुड वांट टू एंड दिस विद दैट मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं पैंडेमिक के वजह से वो एक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है। इट इज अ ह्यूज, इट्स प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन द वे द पैंडेमिक इज परसीव्ड एंड इट्स I have a book on misinformation in India, and I used a word in it that we might end up with a misinfodemic, and then WHO used a word infodemic, and this is, I mean, I call it still a misinfodemic because misinformation has been the problem, the main problem in not just misinformation but also availability of correct information has been a problem throughout this pandemic, whether it's from the government, whether it's from the ICMR, or whether it's from people like you and I, people who are actually somewhat experts during this time period. तो जो भी आपके अनवेरिफाइड सोर्सेस से चीजें आती हैं आपके पास, आई वुड से डू नॉट बिलीव दैट, ऑलवेज चेक देम ऑन द इंटरनेट, नो व्हाट रिसोर्सेस टू गो टू फॉर फैक्ट चेकिंग सच थिंग्स, डू नॉट बिलीव व्हाट एवर समबडी इज सेइंग। ठीक है, कई बार डेस्परेशन में पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों लास्ट मिनट बहुत सॉल्यूशंस ले आते हैं, और वो किसी ने नेबुलाइजर यूज कर लिया, किसी ने पेशेंट के कहने पर
एक्सट्रीम सिचुएशन में एंड स्टेज पे भी रेमडेसिविर दे दी. वी आर जस्ट सच अ कंट्री वेयर यू नो अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स आर आल्सो ड्रिवन बाय मेनी मेनी इमोशंस. आई वुड से believe in good evidence-based clinical practice instead of, you know, hearsay. Secondly, every vaccine is a good vaccine right now, any vaccine that you can take. Do not think about waiting for a better vaccine to come your way. तो ये मत सोचिए कि फाइजर आएगी, मोडर्ना आएगी या स्पुतनिक वी आएगी आपके लिए और आप वो लेंगे, क्योंकि इस सेकेंड वेव के अंदर बहुत यंग लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, नॉट एवरीबडी डाइज, मोर्टैलिटी नहीं आती, पर जो सिवियर कोविड है, इवन एनीथिंग मोर देन मॉडरेट, बट जो सिवियर कोविड है स्पेसिफिकली, इट इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू यू एज इन योर हेल्थ. इट हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. लॉन्ग कोविड भी एक बहुत ही जाना माना डिसऑर्डर है, जिसके बहुत ज्यादा आपकी लाइफ स्टाइल को या आपकी जनरल हेल्थ को बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है. विमेन में खास करके इसके बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं. सो ये बहुत ज्यादा अंडर रिपोर्टेड है, बट बिकॉज ये एक एंजियोटेंसिंग सिस्टम को यू नो अफेक्ट करता है, पीरियड डिसरेगुलेशन से हर तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रहे हैं. तो टेक योर वैक्सीन्स, व्हाटएवर वैक्सीन्स अवेलेबल. जैसे कि डॉक्टर उमेर ने बताया है, 18 प्लस को अब वैक्सीनेशंस दे रहे हैं. मे प्लस से वेट ना करिए कौन सी वैक्सीन आएगी आपके लिए. प्लीज टेक व्हाटएवर दैट कम्स योर वे, दे आर ऑल गुड वैक्सीन्स, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट एक्सट्रीमली ओल्ड, नॉट एक्सट्रीमली फ्रेल लाइक 90 प्लस एंड हैव सिवियर कोमोर्बिडिटीज, एंड योर इम्यून सिस्टम इज परफेक्टली फाइन. गो एंड टेक दोज वैक्सीन्स व्हाटएवर इज अवेलेबल. हमारा काम है भारत बायोटेक से, ICMR से और इन इंस्टीट्यूट से डेटा मांगना. और लोग मुझे बहुत देखते हैं कि ओ मैं हमेशा क्रिटिसाइज करती रहती हूँ किसी न किसी चीज को. हमारा काम पीयर रिव्यू करना है और हम ये करते रहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूंगी कि ये वैक्सीन गलत है या वो वैक्सीन गलत है. सारी वैक्सीन ठीक है, सारी वैक्सीन लेनी चाहिए, जो मिलता है वो लेनी चाहिए. इसी तरीके से हम इस पैंडमिक को रोक सकते हैं. ऑक्सीजन बढ़ाने से या दूसरे रिसोर्सेज बनाने से तो एक कंट्रोल कर सकते हैं एक छोटे इंपैक्ट को. वैक्सीन इज द ओनली सॉल्यूशन टू एंड दिस, सो गो एंड प्लीज टेक योर वैक्सीन. डॉक्टर उमेर, आपका लास्ट एंड फाइनल मैसेज टू आवर ऑडियंस. अगर आप आपको और आपके मुल्क को बचाना चाहते हो तो वैक्सीन लो और मास्क पहनो. जज़ाकअल्लाह. लास्ट में डॉक्टर मज़हर, आपका भी एक फाइनल डॉक्टर हाफिज, डॉक्टर सुमैया ने जो भी बातें कही है उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, वही मेरा मैसेज है. डॉक्टर उमेर ने काफी अच्छे से समझाया है कि अगर अपने मुल्क को बचाना है तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग, अभी सीजन है फेस्टिवल्स का तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है. ऐसा नहीं कि अभी त्योहार आ रहे हैं और फिर लगभग केसेस भी कम से कम मुंबई महाराष्ट्र में तो थोड़े कम हो रहे हैं और हम सब भूल गए और फिर तुरंत अगले दिन सेलिब्रेट करने निकल गए. इस सब चीजों का ध्यान रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. आपको ऊपर ध्यान नहीं देना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल काम के लिए जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके लिए बाहर निकलना है. और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो गेम चेंजर है इस सारे जो बैटल है इस वॉर में, वो है वैक्सीन. तो जैसी वैक्सीन अवेलेबल होंगी, जो अफवाहों को साइड में रख के तुरंत बाहर जाकर सिर्फ वैक्सीन लेने के लिए बाहर निकल के वैक्सीन लेना है आपको जब भी आपका अपॉइंटमेंट आता है. और उसमें कोई भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं, जो वैक्सीन आपके लिए अवेलेबल है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, अनलेस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एज टोल्ड बाय डॉक्टर उमर एंड डॉक्टर उमेर एंड डॉक्टर सुमैया. तो वैक्सीन लीजिए और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास वाले सब लोगों को बचाइए. जी, जज़ाकअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे एस्टीम पैनलिस्ट से हमको बहुत कुछ मालूमात मिली है. जब पिछले बार कोविड पैंडमिक आया था तो हमारा जो नारा था वो ये था, आइसोलेट होइए, क्वारंटाइन करिए. इस बार जब पैंडमिक की सेकेंड वेव आई है तो जो नारा हमको समझ में आ रहा है वो ये है, वैक्सीनेट होइए, वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीनेशन करवाइए. तो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक डायरिंग स्टेट है, डायरिंग सिचुएशन है. सिचुएशन बहुत ग्रिम है, बहुत ख़राब है. इसमें जाहिर है हम डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, हम परेशान होते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए.
तमाम लोगों के लिए परेशानियां हमको घेरती हैं, हम लॉकडाउन में घरों में बंद हैं। तो मेरी आप तमाम से आखिर में यही गुजारिश रहेगी कि बहुत ज़्यादा एंशियस मत होइए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस मत होइए। दुनिया में कभी भी कोई भी चीज़ मुस्तकिल तौर पर नहीं रहती, कोई भी वक्त एक जैसा नहीं होता, जो भी वक्त आता है वो भी पास ऑफ हो जाता है, वो अपने साथ बहुत कुछ नेगेटिव अगर लेकर आए तो कुछ चीज़ें ज़रूर पॉजिटिव लेकर आता है। इस वक्त में जो हमको करना है वो बहुत सिंपल, अगर मैं समअप करूँ हमारे पूरे डिस्कशन को, वो ये है कि इस बात को समझिए कि अर्ली ट्रीटमेंट आपको लेना है, इस बात को आप समझिए कि हर आदमी को ऑक्सीजन नहीं लगती है, अपने पेशेंट्स को सही से क्लासिफाई करना सीखिए, इस बात को समझिए कि जल्दी हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ मुतवज्जा होइए, इस बात को सीखिए कि अगर आपके पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं लगती है तो किसी और को ज़रूरत होगी उस तक उस चीज़ को पहुँचाइए, इस बात को समझिए। ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना चाहिए, सर्टिफाइड डॉक्टर्स पर आपको भरोसा करना चाहिए, हेल्थ केयर स्टाफ पर आपको भरोसा करना चाहिए। आपके पास जो भी नज़दीकी हेल्थ केयर फैसिलिटी हो उसके पास फौरी से रुजू हो, टेस्ट करवाने से मत घबराइए, वैक्सीन लेने से मत घबराइए, कोविड से मत घबराइए। कोविड इतना फैल चुका है कि कोविड अब हमारे आसपास सब जगह है, तो कोविड से घबरा कर अब कुछ नहीं होगा। कोविड से सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो हमको किसी तरह से इसको फाइट करना है, यूनाइट होना है। जब तक के समाज का हर तबका इसके लिए आगे नहीं आएगा तब तक के हम इसको उस अंदाज से फाइट जो है वो नहीं कर पाएंगे। लास्ट में हमारे एक गेस्ट जो बच गए हैं डॉक्टर अनवार सिद्दीकी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर अनवार आप अपने कुछ टेक होम मैसेज के साथ इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। जी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो मुसीबत इंसानियत पर आई है, अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए इसमें एक मौका रखा है कि हम इंसानियत की कितनी खिदमत कर सकते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा नॉलेज और ये सारा इल्म हमें अपने अमल के जरिए लोगों के सामने लाकर रखना होगा। जो मौका जिसके पास भी है, जो सलाहियत जिसके पास भी है, जो इंफॉर्मेशन जिसके पास भी है, वो इंसानियत तक को पहुंचाना वो हमारी अहम जिम्मेदारी है। और ये एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के समाज के लिए रहमत बनकर रहें। तो हम सब अपने इल्म के जरिए, अपनी स्किल के जरिए, अपनी सेहत के जरिए और अपने जिस्म, अपने जबान, अपने जहन के जरिए इस इंसानियत की भलाई के लिए जहां तक हो सके कोशिश करें। अल्लाह ताला हमको इस वबा से बचाए रखे, हमको प्रोटेक्ट करें, और इसके बाद इस वबा से लोगों को बचाने के लिए हमको जरिया बनाए, और इस मुसीबत के दौर में हमारे अमल से हमारी आखिरत सवार दे। बस इसी दुआ और इसी इल्तिजा के साथ मैं अपने अल्फाज खत्म करूंगा। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है इस वबा को जल्द से जल्द जो है वो दूर करे, और इंसानियत जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, मैं समझता हूँ कि हमारे लाइफ का जो कुछ भी हमको लाइफ मिली है उसका ये बहुत बड़ा इवेंट होगा जो हमने देखा है। जो डेकेड्स तक लोग इस पर रिसर्च करते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे, इस पर लोग आर्टिकल्स लिखते रहेंगे, बहरहाल लेकिन वो बहुत कम लोग हैं जो इसको महसूस करेंगे। तो हम वो लोग हैं जो इसको बहुत करीब से देख रहे हैं, बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से भी, ऑडियंस से भी गुजारिश रहेगी कि मौत एक बहुत यकीनी शय है, मौत हर इंसान को आनी है, हमको भी मौत आनी है तो ज़रूर आएगी, अल्लाह जब बुलाएगा हम ज़रूर चले जाएंगे, मगर इस मौत की घबराहट में घबराते हुए ज़िंदगी मत गुजारिए। ज़िंदगी में खुश रहिए, लोगों की मदद करिए, जितना कुछ आप औरों के लिए कर सकते हैं करिए, और इस सेकंड वेव दुआ करिए कि जल्दी से गुजर जाए, इसके लिए मिलजुल कर काम करिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।